नमस्कार दोस्तों, आज चंडीगढ़ काजा ट्रिप का हमारा दूसरा दिन है। पहले दिन की वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दी है, जिन्होंने नहीं देखी तो मैंने ऊपर लिंक भी डाला है। और हम धन्यवाद करते हैं उनका जिन्होंने बहुत अच्छे कमेंट देखी है और हमारी वीडियो को देखा और शेयर किया। तो आज हम थोड़ा सा यहाँ से जल्दी निकल पड़े हैं, हालांकि डिस्टेंस जो है आज का कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, इतना लंबा डिस्टेंस नहीं है, तो आराम से हम पहुंच सकते हैं। पो रास्ता बड़ा सुंदर है, तो हम दो कारणों से जो है आज जल्दी चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो मौसम में कभी भी बारिश वगैरह हो सकती है, दूसरा रास्ते में एक रोड ब्लॉक है। तो यहाँ से जो काजा का डिस्टेंस है तकरीबन 151 किलोमीटर है, जो आराम से हम 4 घंटे में तय कर सकते हैं, पर बीच में एक रोड ब्लॉक है। और वो कब रोड खुलेगा और कितनी देर ब्लॉक रहेगा, क्योंकि बीच बीच में रोड को खोला जाता है और ट्रैफिक को निकाला जाता है, फिर रोड क्लियरेंस दोबारा चालू हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकले हैं, क्योंकि रास्ते का भी हमने जो मज़ा लेना है, खूबसूरत पहाड़ों का रुकना है, चाय पानी पीना है, तो इसलिए हमने ये ट्रिप भी जो पो तक का 2 दिन में प्लान किया था। तो हम निकल पड़े हैं थोड़ा जल्दी। अच्छा सुंदर दृश्य है, मौसम बिल्कुल साफ है, हालांकि ये महीना मॉनसून का है, पर यहाँ पे कोई भी बारिश नहीं है, कोई डैमेजेस नहीं है। एक दो जगह में रोड थोड़ी सी तकरीबन 50-60 मीटर का पैच ही ख़राब आता है, बाकी कोई भी जो रोड है कहीं पे ख़राब हमें अभी तक नहीं मिली है चंडीगढ़ के बाद से। तो बहुत आप देखते रहिए साइड में कितना सुंदर नज़ारा है, रोड्स हैं। ये जनरल मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ कि काजा सेक्टर का और मनाली से वापस आने के लिए आपको कहाँ कहाँ घूम के अगर ये सर्किट पूरा कर सकते हैं तो आ सकते हैं। हालांकि हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो चंडीगढ़ काजा रोड है, चंडीगढ़ मनाली रोड है, वो बंद है बीच में, तो इसलिए हम वहाँ फंसना नहीं चाहते। तो हम काजा से वापस ही इधर को प्लान कर रहे हैं। रोड सर्फेस काफ़ी अच्छा है, छोटे मोटे टाउन है, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं पे भी रुक के कुछ भी खा पी सकते हैं, अच्छा खाना मिलता है, सस्ता खाना मिलता है, और लोग जो यहाँ पे हैं बहुत ही अच्छे और फ्रेंडली हैं, तो आपको घर जैसा माहौल यहाँ मिल जाता है। हालांकि अगर आपने रास्ते में किसी छोटे गांव में रुकना है तो बहुत भी सारे होम स्टे भी आपको उन घरों में मिल जाते हैं। तो अभी ये देखिए, हम यहाँ से दिखा रहे हैं आपको नज़ारा, ये जो है यहाँ पे नीचे सतलुज का जो रिवर चल रहा है और ऊपर पहाड़ है, और ये पीछे जो रोड है पहाड़ों के साथ। आइए, अभी एक खूबसूरत झरना यहाँ पे हमें मिल गया है, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर इस झरने के पास झरने के मज़े लेंगे। काफ़ी ऊपर से पानी आ रहा है, मैं आपको नज़दीक का वीडियो भी दिखाऊंगा। तो हमने गाड़ियाँ यहाँ पार्क कर ली हैं, थोड़ी देर रिफ़्रेश होंगे, थोड़ी देर झरने का और प्रकृति का यहाँ पे आनंद लेंगे। जो ऊपर से पानी आ रहा है बहुत ही साफ है, क्योंकि यहाँ पे बरसात नहीं हुई है, पर जो सतलुज में पानी है वो थोड़ा मिट्टी जैसा है, क्योंकि ऊपर की साइड में कहीं बरसात है जहाँ से सतलुज चलता है। देखिए कितना साफ पानी है जो ऊपर से गिर रहा है और कितनी तेज़ी से गिर रहा है। साथ ही में एक वाटर पॉइंट भी इसको डाइवर्ट करके बनाया हुआ है, ताकि जो लोकल लोग हैं वहाँ से ही पानी भरते हैं और पीने के लिए यही पानी इस्तेमाल होता है। तो काफ़ी स्पीड से पानी आता है, हमने काफ़ी देर यहाँ पे इंजॉय किया, फैमिली के साथ घूमे फिरे, और एक ये पानी इतना शुद्ध था कि हमें बड़ा रिफ्रेशिंग लगा। जब हम उसने हाथ मुँह धोए तो हमारी सारी थकान जो है बिल्कुल दूर हो गई। हम अब इससे आगे चलते हैं यहाँ से, बिल्कुल देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, और बीच में एक खूबसूरत मंदिर बना हुआ है नीचे, जो पहाड़ी की एक जटिंग है बाहर को निकलती हुई, और वहाँ तक जाने का बड़ा मूड है, पर हम उसमें लेट हो जाएंगे क्योंकि पैदल जाना है। तो हम अभी निकल पड़े हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा बैड पैच रोड का यहाँ पे, पर देखिए रोड किस तरह पहाड़ को काट कर यहाँ बनाई गई है। एक तरफ खड़ा पहाड़ है और एक तरफ बिल्कुल ही गहरी खाई है, तो देखने में अगर आप फोटोग्राफ में या एरियल व्यू में देखते हैं तो रास्ता बड़ा आपको डेंजरस लगता है, पर इतना डेंजरस नहीं है। तो अभी हम पो के रास्ते में जा रहे हैं, सामने रोड ब्लॉक हो गया है। देखो तो हमारे पास चाय है, अभी चाय बना ली है, रेनू जी चाय पिला रहे हैं हमें, और गिल साहब चाय बना रहे हैं, तो हम हाँ तो चाय पियेंगे,
फिर नीचे देखेंगे सामने रोड ब्लॉक खुल गया तो जाएंगे इधर पूरा। और ये भी दबजोत ही है, टाइम लैप्स में लगे हुए हैं अपनी वीडियो बनाने। बहुत बढ़िया जगह है, आ जाओ आपको दिखाते हैं सब इधर से। बहुत खूबसूरत नीचे देखो कितना है, सामने रोड ब्लॉक है। जब तक रोड ब्लॉक है हम उसको यूटिलाइज करते हैं, खाना वाना खाएंगे। तो जिस बात का अंदेशा था वो ही हो गया है। हम थोड़ी देर रास्ते में रुकते रहे, जैसे झरने वगैरह दिखते रहे और रोड ब्लॉक पे दोबारा ब्लॉक लग गया। थोड़ी देर पहले तक रोड, जैसा कि हमने इन्फॉर्मेशन ली थी, चालू था, तो हमने उसके हिसाब से चले थे, पर तकरीबन हम 1 किलोमीटर पीछे रहे तो दोबारा उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। तो हमने यहाँ गाड़ी खड़ी करी और चलते हैं, देखते हैं, पैदल जाके देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। और हम यहाँ पहुँच के काफ़ी लोग गाड़ियाँ जो यहाँ इंतज़ार कर रही हैं, तो इसका मतलब लगता है कि आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है रोड ब्लॉक को। और रोड ब्लॉक का मतलब है कि अब हमारे यहाँ पे तकरीबन 1.5-2 घंटे का यह जो ब्लॉक है वो लग गया। हमारी गाड़ी वहाँ वो पीछे खड़ी है और वहाँ से हम पैदल आगे हैं ताकि भीड़ में गाड़ी न फंसाइए। देखिए अब लगे हुए हैं, ब्लास्टिंग हो चुकी है, अब ये बिलडोजर पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को क्लियर करने में लगा हुआ है। जब ये बड़े बड़े पत्थर टाल जाएंगे तो रास्ता खुलेगा, क्योंकि जो गिरने वाली जगह है ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक जगह है जहाँ पे अक्सर रोड ब्लॉक होता है, क्योंकि लंबा लैंडस्लाइड होता है। तो लैंडस्लाइड के बाद कुछ पत्थर इस तरह से होते हैं, कभी भी गिर सकते हैं। तो सेफ्टी के लिए ट्रैफिक रोक के उनको ब्लास्ट किया जाता है। जब वो रोड पे आ जाते हैं तो इनको इस तरह से नीचे गिरा के क्लियर किया जाता है। ये इस स्ट्रेच में सबसे बड़ा एक चोक पॉइंट है और जो पिछले 2-3 मानसून से प्रॉब्लम दे रहा है। तो थोड़ी देर यहाँ रुकना पड़ सकता है आपको, डिपेंडिंग कि आप कब पहुँचते हैं। तो अब लगता है तकरीबन रोड क्लियर हो गया है, अब ये गाड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं, हमारे साथ गाड़ियाँ चल पड़ी हैं। तो ये जो पैच है तकरीबन 100 मीटर का, काफ़ी ख़राब है। हालांकि इन्होंने अभी इस पर मिट्टी डाली है और उबड़ खाबड़ है, काफ़ी लंबा है। देखिए ऊपर से यहाँ से ये पॉइंट से जो पहाड़ से मिट्टी है लगातार आ रही है और ये लगातार ही क्लियर करते हैं। और ये नीचे सतलुज का नज़ारा है, सतलुज नीचे बह रहा है और रोड बिल्कुल उसके साइड में चल रही है। इसके बाद में जगह की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसके बाद में हम आपको एक और अद्भुत नज़ारा रोड का दिखाने वाले हैं। इस पैच के ख़त्म होते ही हम एक चेक पॉइंट पे पहुँचेंगे, तो पहुँचने वाले हैं वो। हाँ, अभी हम रोड ब्लॉक वाला जो एरिया है क्रॉस कर लिया है, निकल गए। ये एक चेक पॉइंट था, यहाँ पे सभी गाड़ियों को एंट्री करवानी पड़ती है। हालांकि हमने गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि हमारा हिमाचल का नंबर था, तो इसलिए हम निकल गए हैं, क्योंकि हिमाचल की गाड़ियाँ लोकल होती हैं तो उनको नहीं है ज़रूरी। अब ये देखिए, ये एक अद्भुत नज़ारा है, इसे हाफ टनलिंग कहा जाता है। बहुत पक्का पहाड़ है और हमारा सलाम है उन लोगों को जिन्होंने इस पक्के पहाड़ को काट के बीच में एक यू शेप में रास्ता बनाया। और तब मोस्टली काम कुछ मैनुअली हुआ, कुछ मशीनें लेके आए, किस तरह से ये मॉडर्न रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किया। और ऐसे टफ इलाकों में देखिए, बिल्कुल आपके ऊपर पहाड़ की एक छत है जो आप देख सकते हैं, और सारी गाड़ियाँ इसके नीचे से गुजर रही हैं। वो देखिए आगे एक ट्रक जा रहा है बिल्कुल, और नीचे बिल्कुल गहरी खाई है, सिर्फ सीधा पहाड़ है जिसको काट के एक रास्ता बनाया गया है। और घुमावदार रोड है, देखने में बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खूबसूरत, ऐसा कोई भी ध्यान रखा नहीं है। दोनों साइड इसके लगभग बैरियर भी लगे हैं, ट्रैफिक के लिए मेन रोड है तो आराम से क्रॉसिंग भी हो सकती है। हालांकि स्पीड आपको यहाँ थोड़ी स्लो रखनी पड़ती है, घुमावदार रोड है, बिल्कुल एक तरह से छत पड़ी गई है आपकी गाड़ी के ऊपर में, और पहाड़ के अंदर से एक होल की तरह वहाँ के निकलते हैं और वहाँ पे दूसरी साइड निकल जाता है। ये एक पैच आता है जहाँ पे काफ़ी इस तरह का जो पहाड़ है वो बहुत हार्ड है, क्योंकि सीधी रॉक है, सीधा ही नीचे उसके बाद सतलुज है। तो यहाँ से अगर कोई गाड़ी गिर जाए तो उसका कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि सीधा नीचे वो सतलुज में समा जाती है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक गाड़ी चलानी पड़ती है इस पैच में, खासकर जो बाहर से लोग आते हैं जिन्होंने कभी हिल में ड्राइविंग नहीं करी है, तो उनके लिए कॉशन है कि अगर आपने हिल्स में ड्राइव नहीं किया है कभी तो आप एक ड्राइवर ले लीजिए, क्योंकि इस जगह पर आप एक्सपर्ट नहीं है पहाड़ों में चलने के, तो आपको
काफी मशक्कत हो सकती है। इस इलाके में काफी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, जैसे कि हम दिखा रहे हैं जैसे नत्था झाकड़ी है और बहुत सारे बारातेरा जो हाइडल प्रोजेक्ट है, क्योंकि सतलुज ऊपर से आता है बहुत तेज से होता है। छोटे छोटे डैम है, 100 मेगावाट 200 मेगावाट 500 मेगावाट, हालांकि 2000 मेगावाट तक के भी प्रोजेक्ट है। ये देखिए किस तरह पानी जो है, ये जो पेनस्टॉक से पानी बाहर निकलता है टर्बाइन के बाद, वो वाला पानी है, ये डैम है। इस तरह से काफ़ी छोटे छोटे डैम हैं और इसलिए हिमाचल स्टेट जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट है और बहुत सस्ती इलेक्ट्रिसिटी है, जो डोमेस्टिक में तकरीबन 2-2.5 रुपये यूनिट यहाँ पे हिमाचल में है, जबकि पंजाब में ये यूनिट तकरीबन 10-11 रुपये है। तो बहुत सस्ती इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ और इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्ट करते हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं एक ब्रिज पे, इसे कहा जाता है माटियार ब्रिज। तो ये ब्रिज एक बड़ी घटना के बाद इसका नाम दिया गया मार्टियर ब्रिज। यहाँ पे एक आर्मी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। ये ब्रिज बनाते समय पूरी की पूरी एक प्लाटून जो आर्मी की है अंदर चली गई थी ब्रिज, क्योंकि बनाते समय ही टूट गया था। तो यहाँ पे एक मेमोरियल है, हम वहाँ सैल्यूट करके आगे निकल गए हैं। सतलुज के साथ साथ हम आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम पो के काफ़ी नज़दीक है और कहीं पे हम लंच करने के बाद, थोड़े स्टे करने के बाद फिर पो की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको लगातार ही रास्ते की जो रूट है उसके बारे में बताता जाऊंगा। जैसे जैसे हम पो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ट्री लाइन खत्म हो रही है क्योंकि हम ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं और इस ऊंचाई पे पेड़ नहीं होते, दोनों तरफ सिर्फ पत्थर के पहाड़ हैं, कोई वेजिटेशन नहीं है। थोड़ी बहुत कहीं पे नीची जगह में वेजिटेशन है, साथ साथ सतलुज चल रहा है, थोड़ी थोड़ी बारिश की कुछ बूंदें गिर रहे हैं कभी कभी शीशे के ऊपर, पर नहीं है। ये एक और वाटरफॉल है जो हमने क्रॉस किया, बहुत अच्छा यहाँ भी पानी का फ्लो है, बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा है, पानी ऊपर से गिर रहा है। कुछ देर यहाँ हमने रुक के इसको देखा और अभी हम यहाँ से फिर आगे चल पड़े हैं। वैसा ही खूबसूरत नज़ारा, रोड थोड़ी नीचे आ गई है, ऑलमोस्ट सतलुज के बराबर आ गई है। तो सतलुज के साथ साथ ही हम चल रहे हैं, यहाँ पे रोड भी ज़्यादा जिग जैग जो घुमावदार नहीं है, काफ़ी सीधी है। अब फिर से एक बार पहाड़ियों में घुस गए हैं, सतलुज से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया है, फिर वही हाफ टनल वाला कुछ एरिया है, पत्थर के पहाड़ दोनों से, बर्फ, नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। मन चाहता है कि हर जगह रुक के कुछ फोटोग्राफी वगैरह करी जाए, कुछ फ़ोटो खींची जाए ड्रोन से, पर हम यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहते क्योंकि पहले ही रोड ब्लॉक के कारण हम लेट हैं। तो आज भी हमारा जो इरादा है वो ये है कि हम जल्द से जल्द को पहुँचें, विश्राम करें ताकि आगे का ट्रिप हम अगले दिनों में प्लान कर सकें। फिर से आपको कुछ वीडियो जो हमारे GoPro से खींचे हुए हैं वो दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पिछला वीडियो है वो हमने जो आपको दूसरा लाइव दिखाया था, ये GoPro का वीडियो है। तो इसे भी आप थोड़ा देख सकते हैं कि किस तरह से वही खूबसूरत चीज़ जो GoPro के थ्रू रिकॉर्डिंग में भी आई है। तो अगर आप यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें GoPro वगैरह, तो या हम जैसे DJI कैमरा यूज़ कर रहे थे, तो वो भी अच्छे काफ़ी व्यूज इसके जो है अच्छे होते हैं। ये एक देखा होगा पिक्चर जो आपने देखी, काफ़ी फोटोग्राफी का, यहाँ पे दोनों तरफ में पहाड़ होते हैं, एक गेट टाइप बना हुआ है, तो वो गेट का जो नज़ारा है आपने देखा होगा, इसकी काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें भी हमने शेयर करी हैं। तो अब हम इससे आगे निकल गए हैं, एक बार फिर नीचे की तरफ आ गए हैं, तो यहाँ पे वेजिटेशन, हरे भरे पहाड़। फिर एक बार जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो ये वेजिटेशन ख़त्म हो जाती है, जब नीचे की तरफ आते हैं तो ये वेजिटेशन बढ़ जाती है। नेचुरल है क्योंकि ऊपर पत्थर ज़्यादा है और हाइट होने के कारण वहाँ पे जो कोई भी पेड़ पौधा नहीं होता।
दोस्तों अब हम पो के काफ़ी करीब पहुंचने वाले हैं। रास्ता बिल्कुल ही सुनसान है क्योंकि शाम के टाइम जनरली ऊपर से आने वाला कोई ट्रैफिक होता नहीं है क्योंकि रास्ता लंबा है, इसलिए इक्का दुक्का गाड़ियां हमारे आगे पीछे तो ज़रूर हैं पर ऊपर से आने वाला बहुत ट्रैफिक कम ही है। इक्का दुक्का गाड़ी कोई हमें कहीं पर क्रॉस करती है। तो हम लगातार अपने दूसरे दिन के पड़ाव पो की तरफ बढ़ रहे हैं खूबसूरत नज़ारे देखते हुए। अब रुकने का टाइम नहीं बचा है तो हम सीधे निकलेंगे और पो पहुंचेंगे। पो जो नेशनल हाईवे है उससे थोड़ा साइड में ऊपर की तरफ हमें जाना पड़ता है क्योंकि पो जो है बाकी जगह की तरह रोड के ऊपर नहीं है, छोटी सी जगह है पो बट बहुत ही खूबसूरत है। तो आज हमने वहाँ प्लान किया रुकने का। तो अभी हम वहाँ से जहाँ से डाइवर्शन है पो का वहाँ थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, तो तब तक हम इस रास्ते का आनंद लेते हैं। दोस्तों अब हम पो की तरफ पड़ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि सिंगल लेन रोड है, बहुत ही घुमावदार और संकरी रोड है और लगातार ही पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है। तो दूसरी तरफ में बिल्कुल नीचे गहरी खाई है, देखने में बहुत ही खतरनाक सा रोड लगता है पर ऐसा नहीं है क्योंकि ट्रैफिक इसमें बहुत कम है। अभी हम इस पे ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, सतलुज नीचे की तरफ हमारे रह जाएगा और हम सिर्फ पहाड़ों के ऊपर पो की तरफ चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे शायद हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि कुछ आगे गाड़ियाँ हैं जो यू टर्न है वहाँ पे, यानी हेयर पिन बैंड है जहाँ पे वहाँ पे फंस गई हैं और वो आगे पीछे करके नीचे से भी गाड़ी ऊपर जा रही है और ऊपर से भी नीचे आ रही है। जैसा कि ऊपर जाने वाले को प्रायोरिटी दी जाती है तो उसी तरह से वो गाड़ी हमारी एक आगे निकल गई है तो हमने नीचे क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग के लिए जगह नहीं है तो हमने उनके लिए जगह छोड़ के पहले ही रोक दिए है। तो आगे पीछे करके ऊपर वाली गाड़ियाँ निकल गई हैं और ये नीचे आने वाली गाड़ियाँ जो है वहाँ से क्रॉस कर रही हैं और उन्होंने भी अभी पार्क कर लिया है साइड में। तो हम ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। देखिए इस तरह से पहाड़ में कोऑपरेट करना पड़ता है। वो गाड़ी पहले आगे ली, उन्होंने जगह बनाई और अभी हेयर पिन बैंड से मुड़ के आगे निकल गए। उसी गाड़ी के पीछे हम भी निकल गए और इस तरह से कोऑपरेशन से रास्ता हमेशा आपको आसान हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं होता। सामने पो कस्बा नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये देखिए दिखा रहे हैं आपको स्नो में सोल्जर किस तरह से इक्विप्ड होता है, कैसे कपड़े पहनता है, उसका एक स्टैचू भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब पो की तरफ हमने यहाँ ऑलरेडी बुकिंग करा ली है, छोटा सा टाउन है, रात के लिए विश्राम करेंगे तो टाउन बिल्कुल सामने आ गया है। तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहुंच गए हैं सेकंड नाइट के स्टे पे, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको हम दिखाएंगे यहाँ से नाको जाने का रास्ता और नाको एक बहुत ही खूबसूरत जगह है उसके बारे में दिखाएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट करें और इसे लाइक करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी जो अगली वीडियोज़ हैं आपको ऑटोमेटिकली लिंक आता रहे। देखते रहिए हमारी वीडियो, हमारे साथ ऐसे ही पहाड़ों की जर्नी एंजॉय करिए। जय हिंद।